बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पर ये निर्वाचन होगा या चुनाव होगा, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी न केवल पुरी की लोकसभा सीट जीतेगी अपितु सातों विधानसभा सीट भारी बहुमत से जीतेगी। मुझे याद है 2019 में मैं सिर्फ 15 दिन में चुनाव लड़ा था, 11,000 से ही रह गया था, 5,27,000 वोट मिले थे। उस समय जब महाप्रभु जी के दर्शन करने गया था और महाप्रभु को देखकर मैं रो पड़ा था और कहा था कि हे भगवान, तुमने अपने भक्त को कैसे हरा दिया, तो मुझे ऐसा लगा मानो अपने हृदय से महाप्रभु मेरे हृदय में कह रहे हैं कि संबित, तुम तपस्या करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कर्म करो, फल मैं दूंगा। 5 वर्ष मैंने लोगों के बीच, जनता के बीच कर्म किया है और ईश्वर ने कहा है फल वो देंगे, अवश्य देंगे। सर, इतना गर्मी में, पसीना के बीच में, जो जिस तरह से हजारों की संख्या में लोगों का जो उत्साह था, उसको क्या बोलेंगे? आज हजारों लोग थे, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग 1,00,000 के आसपास लोग आज सड़क पे उतर गए थे हमारे नॉमिनेशन में। तो मैं तो पहली बात है इन सभी कार्यकर्ताओं का और आम जनता जो आज उतरी थी नॉमिनेशन में, पांव स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में इस प्रकार से लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना, और मैं महाप्रभु को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सभी को सुरक्षित रखा। हमने भी पेयजल, ORS इत्यादि का पूरा प्रबंधन किया हुआ था। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। यह मोदी जी के प्रति उनके प्यार, उनके स्नेह और मोदी गारंटी के प्रति उनके भरोसे को दर्शाता है। सर, ओडिशा पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा एक अलग राज्य बना, लेकिन आज उड़ीसा का अस्मिता को लेकर जो लड़ाई चल रहा है, उसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है? स्वाभाविक रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते हैं, बहुत अध्ययन करके कहते हैं, बहुत उसके पीछे कारण होता है, तभी कहते हैं। उड़ीसा के अस्मिता के विषय में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वाभाविक रूप से उसमें तथ्य है, उसमें सत्य है और उस विषय को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। 400 पार कितना कहेंगे, कहां तक पहुंचेगा? मोदी जी ने जब जब जो जो कहा है, आप देखिए, तब तब उतनी सीटें मिली हैं, क्योंकि वो जनता की आंखों को, जनता के नब्ज को पढ़ने का विज्ञान जानते हैं। वो एक बूढ़ी माँ को दूर से देख के बता सकते हैं कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। अब की बार 400 पार है और अब की बार उड़ीसा में BJP सरकार है। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया 400 पार के नारा का जिक्र किया। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए, नामांकन से पहले रोड शो करते हुए नजर आए थे और इस दौरान भारी भीड़ थी, व्यवस्थाएं की गई थी, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। और इसी बीच देखिए किस तरह से थिरकते नजर आ रहे हैं, एक महिला के साथ संबित पात्रा ने डांस किया और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है। 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां संबित पात्रा नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं।